हेलो दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम दोस्तों एच लुकअप सीखेंगे कि एच लुकअप क्या है। दोस्तों जो हमने पिछली क्लास में सीखा था वो था वर्टिकल लुकअप, वी लुकअप। वी लुकअप का मतलब ये था कि हमें वर्टिकल किसी आइटम को सर्च करके उसकी कोई वैल्यू निकालनी है। दोस्तों आज मैंने रॉ शीट तैयार की है, पहले आइए आज इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लें। देखिए दोस्तों अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस सबको सिलेक्ट किया, नाउ मैंने कंट्रोल वन किया, आई हैव सिलेक्टेड बॉर्डर, मुझे बॉर्डर में कोई कलर चाहिए तो मैंने ये बॉर्डर में कलर ले लिया, ओके। अब दोस्तों मुझे ये सेम यही फंक्शन इसमें भी लगाना है, तो एक तरीका तो ये है मैं दोबारा कंट्रोल वन करूं और ये सब ऑप्शंस करूं, या एक मैं F4 की कमांड अगर मैं प्रेस करता हूं, तो दोस्तों ये F4 करते ही साथ ये ऐसे आपको प्रीवियस फॉर्मूले को कॉपी कर देगा। तो F4 को दोस्तों याद रखें, F4 आपकी जो भी कमांड आपने इससे पहले दी होगी एक्सेल को, वो एक्सेल आपकी एज इट इज़ कॉपी कर देगा। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे कलर करना है, मैंने इसको कलर किया ऑरेंज, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड देन आई हैव अगेन प्रेस्ड F4। मैं यहाँ पे गया, मैंने फिर से यहाँ पे प्रेस किया F4। मैं यहाँ पे गया, मैंने अगेन प्रेस किया F4। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत अपना कीमती समय बचा सकते हैं। मैंने कंट्रोल भी किया, देन आई हैव अगेन प्रेस्ड F4। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब ये जिस तरीके से हमने F4 किया तो ये इस तरीके से ये सारा बोल्ड इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। अब मुझे दोस्तों यहाँ पे एच लुकअप लगाना है और मुझे प्रोडक्ट कोड, ये मैं हटा देता हूँ एक बार फॉर्मूला। अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है दोस्तों, तो अब मैंने क्या किया, इज इक्वल टू एच लुकअप एंड मैंने लुकअप वैल्यू क्या सर्च करना चाहते हो आप, हॉरिजॉन्टली नाउ स्कैनर सर्च करना है कॉमा, व्हाट इज़ द टेबल एरे, टेबल एरे दोस्तों वही रहेगी जो पहले थी, ये देखिए इस तरीके से। अब मैं टेबल एरे को फ्रीज़ कर रहा हूँ F4 प्रेस करके, अदरवाइज़ वो फिर से वैल्यूज़ मेरी ऊपर नीचे ले जाएगा। प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट कोड का कॉलम नंबर है, सॉरी रॉ नंबर है 1220। नाउ व्हेन आई प्रेस अगेन एंटर, तो 118 नंबर जो अपना प्रोडक्ट कोड स्कैनर का था, ये देखिए दोस्तों, ये मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ येलो एंड देन वी हैव येलो, ठीक है दोस्तों। अब मैं मान लीजिए मुझे ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है, तो मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, ये फिर दोबारा मुझे एरर दिखा दी। इसने क्यों दिखा दी, क्योंकि ये सर्च भी नीचे ले गया, ये सर्च कर रहा है C16 को, C16 इज 118 वैल्यू, जबकि मुझे स्कैनर को सर्च करना है। तो या तो दोस्तों एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पर भी डॉलर लगा दूँ F4 करके, अगर मैंने यहाँ पर भी डॉलर लगा दिया, अब देखिए दोस्तों, ओप सॉरी, क्योंकि अब मुझे इसमें कॉलम भी चेंज करना पड़ेगा तो इसलिए मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सॉरी, मैंने यहाँ पे डॉलर लगा दिया, मेरे को पहले यहाँ पे डॉलर हटाना पड़ेगा F4। नाउ मैं इसको एच लुकअप को ऐसे अगर मैं कॉपी पेस्ट करूँगा तो देन आई कैन गेट माई वैल्यूज विच एवर आई डिज़ायर, ठीक है दोस्तों। अब मुझे सेल्स की वैल्यू निकालनी है, मैंने इसको कंट्रोल सी किया एंड आई हैव कंट्रोल वी इट, बट ये वैल्यू नहीं उठाएगा, मुझे F2 करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये C13 को सर्च कर रहा है, मुझे C12 को सर्च कराना है। एंड नाउ सेल्स की जो वैल्यू है वो है कॉलम नंबर, रॉ नंबर 1233, देन आई हैव टू सिलेक्ट यहाँ 3। जैसे ही मैंने 3 सिलेक्ट किया, इसने ऑटोमेटिकली 216,789 रुपये की जो सेल्स थी उसको पिक कर दिया। एंड ये देखिए, इसने इस तरीके से जब मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया तो इसने ये सारी वैल्यूज़ भी पेस्ट कर दी हैं। अब मुझे COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू चाहिए, तो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू के अंदर फिर से एच लुकअप लगाना है, या मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूं, लेकिन फिर से ये एरर दिखाएगा क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट फिर से एक सेल नीचे आ जाएगा, तो मुझे ये C12 करना है। देन अब
चूंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का रो नंबर है वन, ये है टू थ्री फोर फाइव, तो मुझे रॉ नंबर क्या सिलेक्ट करना होगा दोस्तों, यहाँ पे फोर। एंड देन आई कैन कंट्रोल सी इट एंड कंट्रोल वी इट। नाउ मुझे प्रॉफिट चाहिए, देन अगेन मैंने इसका कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी किया, बाय डिफॉल्ट फिर से टैली वही गलती करेगा। इसने C13 को सर्च किया, मैंने इसका चेंज किया पाथ C12, एंड देन सिंस प्रॉफिट का जो अपना रॉ नंबर है वो 5 है, मैंने यहाँ पे 5 किया एंड देन आई हैव एंटर्ड इट। तो इस तरीके से दोस्तों हम एच लुकअप को यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा दोस्तों, आज हमने सीखा कि हाउ टू यूज एच लुकअप, हाउ टू यूज एच लुकअप along with a small function of F4. F4 का जो function है that is used as copy paste without actually using the copy paste. Basically F4 जब हम press करेंगे तो हमारी जो भी इससे पहले की command होगी Excel उसको as it is paste कर देगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप हमें लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।